और हम यहाँ पे डंडोरा पीटते फिरते हैं कि जनाब कायदे आजम ने ये कह दिया, कायदे आजम ने वो कह दिया। कायदे आजम अपनी आइडियोलॉजी में पुख्ता थे, और फिर आपके जो सेकुलर, आप जिसे सेकुलर स्टेट बनाने के ख्वाह हैं, आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी हिजरत सेकुलर मुल्क की तश्कील के लिए हुई थी? तारीख इंसानी की बड़ी हिजरत, हिंदू यहां से उधर गए, मुसलमान वहां से इधर गए, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? मुझे ये सेकुलरिज्म समझा दीजिए कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, दो कौमी नजरिया। मुझे बताइए ये कौन सा सेकुलरिज्म था?